बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 504 एसेंशियल वर्ड्स। डियर फ्रेंड्स, टुडे आई हैव स्टार्टेड माय लेसन नंबर 3 एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस लेसन। आवर टुडेज लेसन नंबर 3 स्टार्ट्स विद दिस वर्ड typical, its grammatical position is adjective and its English meanings are usual of a kind. यानी English में इसके meanings होते हैं usual, regular, customary, लेकिन English में से उर्दू में हम इसे कहते हैं आम चीज, कोई आम सी, कोई common चीज। तो चलिए friends, अब हम इसके first sentence की तरफ आते हैं। The sinister character in the movie wore a typical costume, a dark shirt, loud tie and a tight jacket. के मूवी में जो मैंने सिनिस्टर के करेक्टर को देखा तो उस करेक्टर ने एक टिपिकल सा ड्रेस पहना हुआ था, कॉस्ट्यूम हो गया ड्रेस, और उसका ये ड्रेस किस तरह का था, डार्क शर्ट थी, लाउड टाई थी एंड अ टाइट जैकेट। इन द मूवी आई वॉच्ड अ सिनिस्टर कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर वॉज वेयरिंग अ डार्क शर्ट, लाउड टाई। लाउड की मीनिंग तो वैसे होते हैं ऊंचा, लेकिन यहां जो लाउड है ये हमें मीनिंग दे रहे अ कलरफुल टाई, अ गाउडी टाई, या वो टाई कि जिसे हम कहते हैं फ्लैम्बॉयंट या ऑस्टेंटेशियस। फ्लैम्बॉयंट और ऑस्टेंटेशियस के मीनिंग्स होते हैं अ थिंग विच अट्रैक्ट्स अवर अटेंशन, वो चीज जो हमारी तवज्जो खींचती है। यानी मूवी में ये जो सिनिस्टर है, एज वी रेड दिस वर्ड इन द प्रीवियस लेसन दैट सिनिस्टर मीनिंग्स आर विलन, विकेड पर्सन या विशियस, कि वो जो इंसान अच्छा इंसान नहीं होता, विकेड होता है, जिसमें बुराई पाई जाती है। तो उसने कैरेक्टर में, उसने मूवी में जो टाई पहनी हुई थी, हिज टाई वाज वेरी कलरफुल, फ्लैम्बॉयंट या ऑस्टेंटेशियस, यानी उसकी टाई इतनी कलरफुल थी कि इट वाज अट्रैक्टिंग एवरीवन्स अटेंशन। एंड अ टाइट जैकेट, और जैकेट ऐसी पहनी हुई थी कि विच वॉज कंप्लीटली स्टिक टू हिज बॉडी। यहां मैं आपको बताती चलूं, वोर जो है इट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वेयर और इसकी मीनिंग होते हैं पहनना। तो सिनिस्टर ने इन द मूवी, सिनिस्टर वॉज वेयरिंग अ टिपिकल ड्रेस विच वॉज कंसिस्ट ऑन डार्क शर्ट एंड अ कलरफुल टाई एंड अ टाइट जैकेट। और टाइट का जो एंटोनिम होता है वो होते हैं लूज जैकेट या शेगी, जिसे हम ढीली ढाली या खुली डुली जैकेट बोलते हैं। और इसका सेकंड सेंटेंस है द हॉर्स रैन इट्स टिपिकल रेस अ स्लो स्टार्ट एंड स्लोअर फिनिश एंड माय अंकल लॉस्ट हिज वेजर, के घोड़े ने जो पार्टिसिपेट किया किसी रेस में तो उसने कैसे स्टार्ट लिया, उसका टिपिकल सा एक स्टार्ट था, उसमें कोई ज्यादा एनर्जी नहीं थी, वो एनर्जेटिक, हम उसे कहते हैं कि उसका जो स्टार्ट था वो एनर्जेटिक नहीं था, एक नॉर्मल सा स्टार्ट था। घोड़े ने आहिस्ता स्टार्ट लिया और आहिस्ता से उसने अपनी रेस को खत्म की, तो जिसका ये नतीजा निकला कि इवेंचुअली माई अंकल लॉस्ट हिज वेजर बिकॉज ऑफ हिज हॉर्स स्लो स्टार्ट एंड स्लो फिनिश। रेन जो है, रेन इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ रन। द हॉर्स रेन इट्स टिपिकल रेस अ स्लो स्टार्ट एंड स्लोअर फिनिश एंड माई अंकल लॉस्ट हिज वेजर। वेजर की मीनिंग आपको, मुझे पता है कि मालूम हो गए कि वेजर की मीनिंग होते हैं बेट, ले अ बेट। उन्होंने जो शर्त लगाई थी वो शर्त हार गए घोड़े के स्लो स्टार्ट की वजह से। It was typical of the latecomer to conceal the real cause of his lateness. Latecomer, वो person होते हैं who always comes late. To conceal, conceal का मतलब है hide करता है, छुपा देता है। The real cause, cause का meaning होता है reason. Cause की meaning हो गया reason.
कि ये जो इंसान है ही ऑलवेज कम्स लेट टू अटेंड पार्टी या टू अटेंड सेमिनार, और वो अपने इस लेट आने की वजह को हमेशा वो कंसील करता है, वो छुपाता है. Now we come towards the synonyms and antonyms of typical. Its first synonym is normal, customary, average and regular. मेरे ख्याल में ये सारे इतने common words हैं कि इनको explain करने की जरूरत नहीं है. अब इसका antonym है abnormal, untypical या extraordinary. Extraordinary बोलते हैं गैर मामूली चीज. एक होती है मामूली चीज, यूजुअल चीज, आम सी चीज, और दूसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके रीकैप की तरफ आते हैं. टिपिकल, द सिनिस्टर कैरेक्टर इन द मूवी वोर अ टिपिकल कॉस्ट्यूम, अ डार्क शर्ट, लाउड टाई एंड अ टाइट जैकेट. इन द मूवी द विलन वॉज वेयरिंग अ टिपिकल ड्रेस. His dress was consisted on dark shirt and colorful tie and a tight jacket. The horse ran its typical race, slow start and slower finish, and my uncle lost his wager. Our horse took part in a competition, but unfortunately his start and his finish was so slow, so my uncle lost his wager. It was typical of the latecomer to conceal the real cause of his lateness. कि latecomer जो है वो हमेशा late आते हैं और he hides his reason of his lateness. Synonyms इसके आगे abnormal, customary, average या regular, यानी आम मामूली या customary चीज. Abnormal और इसका antonym है abnormal, untypical, extraordinary या unusual. Friends, मैंने आपको यहां बताया कि loud tie इसके English meaning होते हैं colorful tie, flamboyant या ostentatious, या जिसमें vibrant color होते हैं जो हमें अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं. और sinister को आप जानते हैं कि sinister को हम कहते हैं evil person or wicked person. और इसका जो एंटीनम होता है उसे हम ऐसे हीरो कंसिडर करते हैं या प्रोटैगोनिस्ट. यूजुअली सिनिस्टर और प्रोटैगोनिस्ट एक दूसरे के मुखालिफ किरदार होते हैं. फ्रेंड्स, आई होप कि आपने मेरी आज की वोकैबुलरी से बहुत कुछ सीखा होगा. अगर आपको मेरी आज की वोकैबुलरी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और इंशाल्लाह हम आपसे एक दूसरी वोकैबुलरी के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.